मीडिया की डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भाजपा प्रवक्ताओं को कई बार जवाब दिया है। आज की वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की और देखेंगे मीडिया की डिबेट्स में वे भाजपा प्रवक्ताओं को कैसे चुप करवा रही हैं। आज तक पर उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा, जिसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया। 40% महिलाओं को जब हम टिकट देने की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसमें हो सकता है बहुत सी महिलाएं जीते नहीं, लेकिन हम ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए? योगी मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हैं, 60 मंत्री योगी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन कैबिनेट रैंक की एक भी महिला मंत्री नहीं है। 2 MOS है, 1 इंडिपेंडेंट चार्ज है। क्या एक भी महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने लायक नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं की उत्पीड़न की बात करते हैं। हाँ, राजस्थान में भी अपराध होता है, देश के अन्य भागों में भी होता है। वहां पर पुलिस और प्रशासन और नेता और प्रवक्ता मिलकर चरित्र हनन विक्टिम का नहीं करते हैं। प्रशासन जाकर उनकी फैमिली को नहीं धमकाता है। वहाँ पर 26 दिन के अंदर सजा सुनाई जाती है। ये राजस्थान की बात है। हो गया। और ये आके बोलते थे ऑनर किलिंग, कहते थे हाथरस में हाथ जोड़ के पहले माफी मांगो। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई डिबेट में जब एंकर ने सुप्रिया श्रीनेत से प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस लेने के वाले ऐलान पर सवाल किया, तो इसका ठीक से जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने दिया और अपने सवालों से भाजपा प्रवक्ता को परेशान भी किया। तो आप जितनी भी बाइट निकाल के देख लीजिए, कभी कहा कि किसान के बेटे को बनाया है, उन्होंने कहा दलित को बनाया है। इसका मतलब जातिगत समीकरण आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय था बजाय किसान के। तो आज उन विषयों को छोड़ देना चाहिए। किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव के लिए उनके लिए जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण विषय है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपने कहा कि क्या आपने कहा कि किसान बनाना चाहिए। चलिए तो अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। अब मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, गलत बात है भाई। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए तो, सुनिए तो महोदया, जवाब दे रहा हूँ। दलित मुख्यमंत्री नहीं है। अरे भाई, अगर एक कहीं बन गया वो भी आंखों में चुभ रहा है आपकी। क्या बात करते हैं सुधांशु, जवाब तो लीजिए। गलत बात आपने कही भाई, सुनिए, आप जवाब दे दूं। आपने तो वही बात कई बार रिपीट कर दी। अरे भाई, आप कई बार रिपीट कर चुकी वही बात, सुनिए। आज प्रधानमंत्री का अहम नहीं दिखा, गुरु नानक का प्रकाश पर्व, शहादत हो गई। अब क्या अहम दिखाना था? ओहो, किसके हाथों में खून सना हुआ ये बताइए ना। आज तक पर उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर हुई डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी और योगी की तस्वीर में भाजपा को घेरना शुरू किया, जिस पर भाजपा प्रवक्ता भी चुप ही दिखाई दिए। मुझे थोड़ा सा हतप्रभ ये हुआ सईद भाई देखकर कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री को फोटो लगाकर ये साबित करना पड़ रहा है कि सब चंगा सी। और एक बात और बताऊं, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। एक आती हुई तस्वीर गले पर हाथ रखे हुए, एक जाती हुई तस्वीर गले पर हाथ रखे हुए, एक में प्रधानमंत्री जी ने अंगोछा डाला हुआ है पहले की है, एक में शॉल डाला हुआ है भगवान जाने कब की है। तो नकल में भी मैं तो सूचना सलाहकारों की मंडली को ये कहूंगी, एक ही तस्वीर को थोड़ा दोनों एंगल से शूट करके लगा देते। समझ में आ गया कि ये जबरन लगाई हुई तस्वीरें हैं, मैसेज देने की कोशिश, और मैसेज क्यों नहीं दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़े दिन पहले कहा था ना, हम तो कमल पर चुनाव लड़ेंगे, योगी जी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। यही बात इनके और भी मंत्रियों ने कही है। 200 विधायक जब खड़े होकर सदन में योगी जी के खिलाफ धरना दे रहे थे, जब बृजेश पाठक जी जैसे मंत्री खुल के उनके खिलाफ बोलते हैं, सबको सिर्फ फुटबॉल पता है केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में, संघ और उनके बीच में, तो ये तो होना ही था। इंडिया टुडे पर MSP के मुद्दे पर हुई डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने अपने जवाब में कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने जवाब में प्रधानमंत्री को 700 किसानों की मौत पर कुछ ना बोलने पर घेरा। 120 seconds for one panelist and 20 for the other, that's unfair, but I will still answer the question. I strongly recommend that the Prime Minister should listen to his own self. His own report should be reread, in which he wanted legal right for the MSP. Forget about the opposition. Do what you wanted to do as the Gujarat Chief Minister. And bilkul sahi kaha unhone, wo us अदालत में वकील थे, अब जज है, उनको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपको डबल करनी थी इनकम, 27 रुपया कमा रहे हैं फार्मर्स, और सबसे पहले किसानों से हाथ जोड़ के 700 मौतों के लिए शहादत के लिए माफी मांगिए। अजय मिश्रा टेनी, बिकॉज विदाउट दैट यू हैव नो मॉरल कंपास व्हाटसोएवर। आई आंसर्ड, मिस्टर मोदी शुड डू व्हाट ही सजेस्टेड शुड हैव बीन डन एज द गुजरात चीफ मिनिस्टर, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट ही सजेस्टेड। दैट्स व्हाट माय आंसर इज। यस, आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू, द गुजरात चीफ मिनिस्टर हैज सजेस्टेड समथिंग, लेट द प्राइम मिनिस्टर डू दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप सुप्रिया की इन डिबेट्स के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।